हाय गाइस, दिस इज जिया। यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉबफुल फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं एक और फ्री जॉब। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को टच कर ले ताकि नई नई जॉब की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। फ्रेंड्स, आज की जॉब होने वाली है आप लोगों के लिए रेस्टोरेंट्स जॉब होने वाली है। रेस्टोरेंट में हेल्पर से लगाकर कुक तक की इस जॉब में आपको अपडेट देता हूँ, तो वीडियो को एंड तक बने रहिए। और आपका अगर कुछ भी क्वायरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेझिझक। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की ये जॉब होने वाली है। अगेन, आप लोगों के लिए रेस्टोरेंट जॉब होने वाली है। अब रेस्टोरेंट से काफी कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं जो सीधा सवाल कर देते हैं कि सर ये 3 स्टार है क्या, 5 स्टार है क्या। फ्रेंड्स, 3 स्टार 5 स्टार से मतलब नहीं है, काम से मतलब। आपको अच्छा काम मिल रहा है, अच्छी सैलरी मिल रही है, समझ लीजिए आपके लिए वही 3 स्टार और 5 स्टार है। तो अगेन, इसमें रेस्टोरेंट जॉब है हेल्पर से लगाकर सेफ, हेल्पर से लगाकर कुक तक। इसमें आपको इस वीडियो में सारी जॉब देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग बात करता हूँ हेल्पर कैटेगरी की। जो साफ सफाई का काम करता है उसकी सैलरी स्टार्टिंग रहेगी 11,000 रुपये है। 11,000 रुपये प्लस खाना पीना रूम, टोटल मिला के अगर मान के चले जहां दूसरी कंपनीज बताती है वही सैलरी आपकी हो जाती है इन हैंड, बल्कि टोटल मिला के सीटी से सैलरी बता रहा हूँ, सीटी सी सी सैलरी इसमें हेल्पर की हो जाती है आपकी, खाना पीना रूम सब कुछ मिला के एक मान के चले कि 15 से 16 हज़ार रुपये इन हैंड सैलरी 11,000 रुपये। इसके बाद में 5 महीने 6 महीने के बाद में आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। यह है सिर्फ साफ सफाई वाले के लिए। इसके अलावा हेल्पर, हेल्पर बोले तो जो किचन में कुक के साथ में हेल्प करवाता है, बर्तन को इधर उधर रखना हुआ, उसके साथ सब्जी कटिंग करवाना हुआ, और भी कुछ बहुत सारा ऐसा काम है जैसे जो है बाहर से कुछ ऑर्डर आया तो उसको पैक करना हुआ, तो और भी ऐसे कुछ काम से जिसकी सैलरी हेल्पर कैटेगरी में आती है, वो हेल्पर की सैलरी रहती है स्टार्टिंग 12,000 रुपये। साफ सफाई की 11,000 बताया, हेल्पर की 12,000 रुपये, 12,000 प्लस सेम फैसिलिटी, खाना भी फ्री रहना भी फ्री। उसकी भी अगर सीटीसी सैलरी मिला दी जाए तो एक मान के चलिए 18,000 के लगभग जाती है, अगर खाना पीना उसमें से ऐड कर दिया जाए तो। यह है हेल्पर। इसके अलावा कुक जो शेफ है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, अगर आपको कुछ भी बनाना आता है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी सैलरी स्टार्टिंग रहती है 18,000, 18,000 रुपये मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम 18,000 रुपये सैलरी रहती है शेफ की। डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल 4 साल 5 साल का है तो आपकी सैलरी 20,000 25,000 भी होती है। अगर आपका एक्सपीरियंस 5 6 साल का है तो आपकी सैलरी 25,000 26,000 भी होती है, प्लस खाना भी फ्री रहना भी फ्री। इसके अलावा हफ्ते का एक छुट्टी कंपनी के द्वारा दिया जाएगा आपको। अब ड्यूटी की बात करूं तो ड्यूटी इसमें सिर्फ और सिर्फ 9 घंटा होने वाला है। इसमें ईएसआई की फैसिलिटी नहीं है। इसमें अनपढ़ भी अप्लाई कर सकता है, इसमें बिना किसी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स का भी अप्लाई कर सकता है जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इस जॉब में, आज के ये वीडियो में, आज के इस रेस्टोरेंट जॉब में अनपढ़ से लगाकर अच्छे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो गाइस, छोटा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो। अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो और हमारी कंपनी और हमारा जॉब जो है जेनुअन है और हम सही तरीके से काम कर रहे हैं, आपको सही तरीके से अच्छा जॉब प्रोवाइड करते हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ और उन धोखे वालों से बचें, क्योंकि हमारी कंपनी हमेशा आप लोगों के लिए जीरो प्रोसेसिंग फीस, जिसको दूसरी कंपनियां काफी चार्ज करती है, वहां पे हमारी कंपनी आपको जीरो प्रोसेसिंग फीस के नाम से हायरिंग करती है। तो गाइस, उम्मीद करूंगा आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस जॉब के लिए आप लोग हम लोगों को आराम से 10 बजे से लगाकर शाम के 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं, सैटरडे संडे छोड़ के। तो गाइस, बहुत ही अच्छा हेल्पफुल जॉब है। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में शेयर जरूर करें और हमारे उस पुराने व्यूवर्स को और हमारे उन पुराने कैंडिडेट्स को जो काफी भटकते हैं, मैं ये चीज देखता हूँ कि हमारे यहाँ कैंडिडेट्स 3 4 महीना काम करते हैं फिर दूसरे वीडियो देख के दूसरी कंपनी में चले जाते हैं,
वही अगेन वापस हम लोगों के पास कॉल करते हैं, सर जो है हम लोगों के पास काम है क्या। तो उन लोगों के लिए एक ही बात कहूंगा कि गाइस आप इधर उधर भटकना छोड़िए, एक जगह स्थिर होकर काम कीजिए ताकि आपकी सैलरी इंक्रीजमेंट हो। आप अगर मेरे पास 3 महीना 4 महीना काम करते हैं और कहीं जाके फिर 3 4 महीना मतलब 1 2 महीना काम करते हैं, वहां पे सैलरी या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वापस आप हमारी कंपनी में आते हैं तो आपकी सैलरी उतनी ही मिलती है जितनी नई कैंडिडेट्स की मिलती है। फिर आपका वहां पे जो है एक्सपीरियंस जो है पहले 3 महीने का था वो चला जाता है। तो बेटर यही है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहां पे आराम से जो है 6 महीना 7 महीना काम कीजिए ताकि आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़े, आपकी सैलरी इंक्रीजमेंट हो। तो गाइस एक हल्का सा छोटा सा उन लोगों के लिए टिप्स था जो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, यहाँ वहाँ जाते रहते हैं ज्यादा सैलरी की चाहत में। उनको सिर्फ ज्यादा सैलरी मिलता नहीं और उसके एवज में वो लोग काफी पैसा बर्बाद कर देते हैं, काफी पैसा गंवा देते हैं। तो गाइस बहुत ही अच्छी जॉब, बहुत ही अच्छी हेल्पफुल रेस्टोरेंट जॉब आप लोगों के लिए, अनपढ़ से लगाकर एक्सपीरियंस कैंडिडेट तक के लिए। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपने फ्रेंड्स तक नीचे शेयर जरूर करें और हम होते हैं हाजिर नेक्स्ट एक और अच्छी अपडेट के साथ, अच्छे वीडियो के साथ, फ्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड